रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ जेएमएम ने झारखंडी अधिकार मार्च निकाला और रॉयल्टी बकाया सरना धर्म कोड लागू करने को मांग को लेकर अधिकार मार्च में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के अलावा बड़ी तादाद में जेएमएम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेएमएम के झारखंडी अधिकार मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा आज पूरे राज्य में अधिकार मार्च, राजधानी रांची में भी जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक के लिए ये मार्च निकाला गया है। विभिन्न मांगों को लेकर सांसद महुआ मांझी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम और अनेक जो बड़े संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ मांझी से जुड़ेंगे और जानेंगे। मैडम, पूरे राज्य में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिकार मार्च निकाल रहा है, क्या डिमांड्स? आपने देखा ही होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है झारखंड के साथ। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ अगर वो दे दे तो झारखंड का कितना विकास हो सकता है। यहाँ से गरीबी, पलायन, माइग्रेशन, ये आपका ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है 1,36,000 करोड़, उसके विरोध में है। सरना धर्म कोड कब यहाँ झारखंड के कैबिनेट से पारित हो चुका है, अभी तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इस तरह से ढेर सारी मांगे हैं जो जिसके लिए ये प्रतिवाद मार्च है। जिस तरह से कहा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भी इस मांग को उठाते रहे हैं कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार बिल्कुल करती है, चूँकि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिजली की कटौती की गई थी, जबकि यहाँ पर जो बिजली बन रही है वो दूसरे देशों में जा रहा है। तो इस तरह से लगातार ये जो भेदभाव की उनकी नीति है इसको खत्म करना जरूरी है, नहीं तो राज्य का विकास नहीं होगा। झारखंड से इतने खनिज पदार्थ पूरे देश में सप्लाई हो रहे हैं लेकिन झारखंड को क्या मिल रहा है, इसको लेकर यही प्रतिवाद मार्च है। आज बीजेपी भी राज्य में युवा आक्रोश रैली निकाली है, बड़े पैमाने पर युवा यहाँ पर जुटे। देखिए, भाजपा विकास की बात नहीं करती है, सिर्फ लड़ाने की बात करती है, तोड़फोड़ की बात करती है और ये जो युवाओं को भड़काने की भी बात करती है। उनके पास अपने लीडर्स तक नहीं है, दूसरे पार्टियों के लीडर्स को तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। तो ये उनका बरगलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोगों को भड़काते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार देख चुकी है कि यहाँ की जनता को आप बरगलाया नहीं जा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकार मार्च में सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी को आपने सुना, किस तरीके से उन्होंने बताया कि मार्च की जरूरत क्यों पड़ रही है। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।